महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी ने सीटों की तालमेल के लिए मान मनोबल का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये दौर हमें भी दिखा। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात पहले सुबह शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर सिल्वर ओक पहुंचते हैं। उसके बाद करीब एक बजे वो उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचते हैं। मातोश्री में बालासाहेब थोरात और उद्धव ठाकरे के बीच लगभग 2.5 घंटे चर्चा होती है। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं एक बैठक का। तीन बार उस बैठक का वक्त बदल दिया गया है। दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी थी, लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हो पाई है। 4:51 हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज महाविकास अघाड़ी का झगड़ा निपट जाएगा और निपटा लिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते ये तमाम नेता अभी एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। उपचुनावों वाले राज्य में भी विपक्षी गठबंधन में विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस विवाद में कई सारे किरदार नजर आ रहे हैं। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि उतरो ना भैया चुनाव में, लेकिन सीएम चेहरे के साथ, और सीएम किसी को भी बना दो, थोरात जी को ही बना दो, लेकिन सीएम का चेहरा बहुत जरूरी है, यह कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। पेच सिर्फ सीएम चेहरे पर नहीं फंसा है ना, पेच तो अलग अलग सीटों को लेकर भी फंसा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खुद कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पर अभी भी दिक्कत हमारी बनी हुई है, हम वो जल्दी सॉल्व कर देंगे, खुद कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां झारखंड में मनोज झा क्या कह रहे हैं, पार्टियां बीजेपी के साथ आंख मिचौली जो कर रही हैं, और वो कौन सी पार्टी है, जेएमएम की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हुई, हम दुखी हैं, ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उनकी पार्टी 12-13 सीटों पर आस लगाकर बैठी। हेमंत सोरेन और कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें तेजस्वी और लेफ्ट को, दो पार्टियों को मिलकर दे रहे हैं। यानी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी इस बार कह रही है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन वो मिलेंगी इसकी गुंजाइश दिख नहीं रही है। उधर उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में इस वक्त सुई पटक सन्नाटा है, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस है। समझ ही नहीं आ रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है, ये लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कह रही है 4 सीटें चाहिए हमको, 9 उपचुनाव की जो सीटें हैं उनमें से 4 सीटें हम चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, हरियाणा चुनाव का नतीजा आता है अगले ही दिन, अखिलेश यादव क्या करते हैं, 9 में से 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर देते हैं और 2 सीटें अभी बचती, उसके बाद एक और सीट आई और अब 2 सीटें बचती। 2 सीटें कौन सी है भाई, बताइए। 2 सीटें, पहली है गाजियाबाद। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं, एक 2004 में उपचुनाव में जीती थी, उसके अलावा सपा वहां कभी नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार उस गाजियाबाद की सीट पर 2002 में जीती थी, आज से 22 साल पहले। फिर दूसरी पार्टी है खैर। खैर में कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत नहीं दर्ज की गई है। हाँ, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी आज से 44 साल पहले 1980। यानी ये दोनों सीटें वो है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए दूर की कौड़ी। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस को झटका दे दिया है। कांग्रेस की कमजोर नब्ज बुधनी सीट पर अखिलेश की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। होगा क्या, वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस यहां शिवराज के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई थी और वहां पर अखिलेश यादव ने खेल बिगाड़ दिया। इन्हीं विवादों में अब बीजेपी चुटकियां ले रही है। इंडिया गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन कह रही है, गठबंधन कह रही है। कोई इस लड़ाई को आपसी महत्वाकांक्षा की जंग बता रहा है, कोई कह रहा है ये मौका जो है एनडीए को इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई की वजह से मिल गया है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 का जो मोमेंटम, जैसा कांग्रेस कह रही थी कि देखिए 99 पर आए, अब धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़त होती है, तो ये मोमेंटम बिगड़ रहा है, बिखर रहा है कि सवर रहा है। शुरू करते हैं इसी पर गूंज।